हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो गाइस। और आज का कलेक्शन होने वाला है काफी अमेजिंग और काफी खतरनाक गाइस। और आज की वीडियो देखने में आपको 100% काफी मजा आने वाला है गाइस। आज मैं लेके आया हूँ स्पेस कलेक्शन गाइस और काफी सारी ज्योमेट्री बॉक्स है। एक है स्टेशनरी सेट और एक है हमारे पास इरेजर सेट गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना। और आज की जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना गाइस, काफी अमेजिंग और काफी यूनिक है गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीपी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ आज का कलेक्शन दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, ये काफी अमेजिंग और काफी बढ़िया। और ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं अपलोड करी है दोस्तों। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है, कितना स्पेस मिलता है और कैसे ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं। ये है स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग है, काफी प्यारी। और इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया है 300 रुपीज का। ये छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स है और इतनी महंगी क्यों है तो चलो मैं आपको दिखा दूं ये इतनी महंगी क्यों है दोस्तों। तो यहां मिलते हैं हमें फ्रंट में 1 2 3 4 बटन मिलते हैं दोस्तों। फटाफट इन चारों बटन का यूज किया है, चलो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले बटन को दबाते हैं तो ये देखो दोस्तों, यहां निकलता है काफी अमेजिंग, काफी प्यारा सा कंपार्टमेंट। और इसके अंदर हम इरेजर मिलती है दोस्तों हमें, और इसके अंदर हम कुछ भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग और कितना खतरनाक कंपार्टमेंट है। इरेजर को इसके अंदर रख देते हैं, अब कर देते हैं बंद दोस्तों। अगेन दबाता हूं और दिखाता हूं ये कंपार्टमेंट कैसा ओपन होता है। देखो दोस्तों कितना स्मूथली ओपन हो जाता है ये वाला कंपार्टमेंट। चलो सेकंड बटन को दबाता हूं, सेकंड बटन को दबाते ही ये देखो दोस्तों, सेकंड बटन को दबाते ही हमें निकलता है यहां पे ये देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग, ये देखो सीजर, ये देखो कितना अमेजिंग कंपार्टमेंट निकलता है इसके अंदर। हमें मिलता है हमें एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा एक सीजर दोस्तों, काफी सुंदर है। इसे रख देंगे और फिर अगेन बंद कर देंगे, फिर कंपार्टमेंट को दबाएंगे और इस वाले बटन पे साफ साफ लिखा है सीजर गाइस, और इस वाले बटन पे लिखा है पेंसिल एंड शार्पनर गाइस। तो इस बटन को अगेन दबाएंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। पहले बटन को भी दबाते थे कुछ इस तरह का लुक दिखता है। अब करते हैं तीसरे बटन को दबाते जिस पे लिखा है पेंसिल एंड शार्पनर। तो तीसरे बटन को दबाते देखते हैं क्या निकलता है। तो ये देखो दोस्तों यहां पे हमें निकलता है काफी सुंदर काफी प्यारा सा एक शार्पनर दोस्तों, और दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, इसमें हम अपना स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं। तो तीनों बटन को हमने दबा लिया, चौथे बटन को दबाते हैं दोस्तों। चौथे बटन को दबाने के बाद देखते हैं क्या निकलता है। तो चौथे बटन को दबा लेते हैं, तो चौथे बटन को दबाते ये देखो दोस्तों हमें यहां से मिलता है गाइस, ये देखो टेप कटर गाइस, काफी सुंदर और काफी प्यारा कंपार्टमेंट निकलता है गाइस। और इस बटन पे साफ साफ लिखा है, सारे बटन पे सारी चीजें लिखी है। इस वाले बटन पे लिखा है टेप कटर, इस वाले बटन पे लिखा है पेंसिल शार्पनर, और इस वाले बटन पे लिखा है सीजर, तो सीजर निकलती है, और इस वाले बटन पे इरेजर लिखा है तो इरेजर निकलता है दोस्तों। चलो इसे बंद कर देते हैं चारों कंपार्टमेंट को और अंदर से दिखाता हूं दोस्तों कैसा है। तो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो इस ढक्कन को ओपन करते ही तो दोस्तों हमें इस जगह मिल जाता है टाइम टेबल रखने के लिए एक पॉकेट गाइस, और इसमें मिल जाता काफी अच्छा सा स्पेस दोस्तों, और इसमें मिल जाता हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक स्टैंड गाइस मिल जाता है दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों क्या लिखा है रूलर, ये देखो दोस्तों रूलर, और यहां बटन है, और इस बटन को ऐसे दबाएंगे तो देखो दोस्तों क्या होगा। इस बटन को दबाते यहां देखो दोस्तों हमें निकलता है इसके अंदर से एक रूलर, काफी सुंदर और काफी प्यारा सा। और कितने सेंटीमीटर का रूलर निकलता है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर का, यानी 18 सेंटीमीटर का रूलर निकल के आता है इस पेंसिल बॉक्स के अंदर से। अब हमें रूलर का कोई काम नहीं है, फिर हम इस तरह से अंदर डाल देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे पास रूलर भी है दोस्तों। ये देखो हिडन रूलर है इसके अंदर, काफी अमेजिंग काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है ये स्पेस वाली, और इसका प्राइस तो मैंने बता दिया। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, इसे रखते हैं। सेकंड चीज दिखाता हूं दोस्तों, सेकंड है हमारे पास स्पेस बस गाइस, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, बस लुक में है दोस्तों। चलो इसे निकालता हूं पन्नी से और दिखाता हूं ये पेंसिल बॉक्स कैसी है दोस्तों। ये देखो एक बस लुक में है, एक 3D लुक में है, और ये है बस स्पेस गाइस, काफी अमेजिंग काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस। और इसके प्राइस की बात कर ले तो इसे भी मैंने परचेज किया है 250 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को 300 रुपीज का परचेज किया था, इसे 250 रुपीज का परचेज किया है। चलो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है और कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं दोस्तों हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। चारों तरफ से आपने लुक देख ली इस ज्योमेट्री बॉक्स की, फ्रंट में आप देख सकते हो बस की आईज बनी हुई है, नाक बनी हुई है, मुंह भी बना हुआ है, काफी सुंदर है, क्वालिटी काफी शानदार है दोस्तों। चलो पहले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, तो पहले ढक्कन को ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट
मिल जाते हैं। पहले फ्लोर में हम काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सेकंड फ्लोर में भी काफी अच्छा काफी सुंदर स्पेस मिल जाता है दोस्तों। हम एक कंपार्टमेंट के अंदर पैसे तो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, तो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं दोस्तों हमें देखने को मिल जाते हैं टेबल्स गाइस और कुछ काफी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं दोस्तों। काफी सुंदर काफी प्यारा है गाइस और इस पे स्पेस की फोटोज छपनी है, काफी सुंदर है गाइस, काफी अमेजिंग है। इसके व्हील भी रोटेट होते हैं, जब हम बोर हो रहे हो तो दोस्तों हम इस ज्योमेट्री बॉक्स से खेल भी सकते हैं दोस्तों। काफी सुंदर काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ। तीसरी है गाइस हमारे पास 3D लुक में स्टेशनरी पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग काफी सुंदर है। पन्नी से निकालता हूँ दिखाता हूँ दोस्तों ये क्यों सुंदर है, क्यों अमेजिंग है गाइस ये पेंसिल बॉक्स। एक तो ये बस लुक में है, मिनी बस लुक में है, बैक साइड में हमें मिल जाता है एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, काफी सुंदर और काफी प्यारा सा दोस्तों। इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें मिलता है इसके अंदर काफी सुंदर सुंदर और काफी प्यारे प्यारे स्टेशनरी आइटम्स गाइस। और इसके अंदर मिलता है हमें सबसे पहले एक काफी सुंदर काफी प्यारा सा रूलर मिल जाता है, 15 सेंटीमीटर का एक काफी प्यारा सा रूलर मिलता है दोस्तों इसके अंदर। और हमें मिलता है काफी सुंदर और काफी प्यारी सी काफी लंबी सी मिल जाती है एक बहुत ही स्पेस वाली ये देखो पेंसिल, और कितनी लंबी पेंसिल है दोस्तों ये देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। और पेंसिल के पीछे भी इरेजर हमें मिल जाता है दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारी पेंसिल है दोस्तों, इसे रखते हैं साइड में। और हमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट शार्पनर दोस्तों, ये देखो दोस्तों कितना सुंदर और कितना प्यारा शार्पनर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितने अमेजिंग कितने सुंदर है दोस्तों, इसे साइड रखते हैं। और हमें मिलता है काफी प्यारा और काफी अच्छा सा एक इरेजर मिल जाता है दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारा सा। और हमें मिलता है एक मार्कर काफी गजब का, और मार्कर के आगे है एक डस्टर, और हमें इस पेंसिल बॉक्स के पीछे मिल जाता है व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड पे हम रफ वर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया VVK, तो दोस्तों VVK फन लिख दिया हमने, देखो हमने फन लिख दिया। अब इसे मिटाना है तो हमें मिलता है यहाँ पे काफी शानदार काफी प्यारा ये डस्टर, और इसे हम मिटा लेंगे दोस्तों। ये देखो कितना इजीली और कितने आसानी से मिट जाता है दोस्तों, और पता भी नहीं चल रहा कि हमने कुछ लिखा भी था इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर गाइस। अब इसे साइड रखते हैं सारी चीजों को, अब अंदर से दिखाता हूँ हमें क्या क्या चीजें और मिलती है। तो इसमें खाली हो गई, इसे साइड रखते हैं पन्नी को, और यहाँ मिल जाता हमें काफी अच्छा स्पेस। और ये देखो इस वाले कंपार्टमेंट को हटाएंगे तो गाइस नीचे कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, और काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है दोस्तों हमें इसी बस स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों, काफी सुंदर है। और इसे मैंने परचेज किया है 150 रुपीज की दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अब दिखाता हूँ गाइस फोर्थ चीज, और काफी अमेजिंग और काफी सुंदर स्टेशनरी सेट है गाइस, देख सकते हो पैकिंग भी कितनी जबरदस्त है, और इसे मैंने परचेज किया 150 रुपीज की इस स्टेशनरी सेट को। चलो इसे निकालते हैं और दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी चीजें मिलती है और क्वालिटी कैसी है दोस्तों। चलो चलो इसे निकालते हैं गाइस फटाफट बॉक्स से, इस तरह से निकाल लेंगे इस वाले लॉक को, और ऊपर होती है पन्नी दोस्तों, ये है ढक्कन, पन्नी लुक में ढक्कन है। और देखो दोस्तों हमें क्या इसके अंदर मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है हमें काफी सुंदर और काफी प्यारा सा ये देखो ये क्या है स्पेस लुक में, इसके अंदर हमें क्या है मिलता है दोस्तों, इसके अंदर मिलते हैं, अरे वाह क्रियोन्स कलर, अरे वाह दोस्तों 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं क्रियोन्स कलर, काफी अच्छी क्वालिटी और काफी सुंदर क्रियोन्स कलर मिल जाते हैं दोस्तों हमें इस स्टेशनरी आइटम के अंदर गए, काफी सुंदर और काफी प्यारे क्रियोन्स कलर मिल जाते हैं गए। पहला टेंट तो हमें मिलता है क्रियोन्स कलर, इसके अंदर मिलता हमें काफी सुंदर काफी प्यारा सा एक इरेजर गाइस, क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी सुपर कितनी अमेजिंग है गाइस। और मिलता हमें एक काफी सुंदर सा ब्लू कलर का ही शार्पनर गाइस, क्योंकि स्पेस का कलर ब्लू होता है तो हमें इससे शार्पनर भी ब्लू मिल जाता है, क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है दोस्तों। और मिलता हमें काफी सुंदर काफी प्यारी और अच्छी क्वालिटी की दो पेंसिल गाइस, ये स्पेस प्रिंट हो रखे हैं दोस्तों, दो पेंसिल मिलती है दोस्तों हमें इसके अंदर गाइस। और क्या मिलता है स्टेशनरी सेट के अंदर, हमें मिलता है इसके अंदर एक रूलर जो है 15 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर भी स्पेस और एस्ट्रोनॉट की भी फोटो मिल जाती है गाइस इस रूलर के ऊपर, क्वालिटी काफी अमेजिंग है देख सकते हो दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी मजबूत रूलर मिल जाता है दोस्तों। और हमें मिलता है काफी सुंदर और काफी प्यारा सा एक ये देखो दोस्तों एक मिल जाता है इसके अंदर हमें ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग, बैक साइड में आप देख सकते हो ABCD लिखी हुई है और कुछ टेबल देखने को मिल जाते हैं गाइस। और अंदर की बात कर ले तो अंदर देखते हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों अंदर भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आ ही जाएंगी इसके अंदर, चलो मैं रख के दिखाता हूँ ये सारी चीजें आती हैं या नहीं आती, बस क्रियोन्स कलर भी आ जाएंगे दोस्तों, मेरे को लगा बॉक्स के साथ तो नहीं लेकिन ऐसे आ जाएंगे गाइस। तो
एक पेंसिल बॉक्स में सारी चीजें आ गई गई। और क्या मिलता हमें? और कुछ भी नहीं मिलता हमें, एक बॉल पर मिल जाता है गाइस, हमें स्पेस का गाइस इसके अंदर देख सकते हो, काफी सुंदर काफी प्यारा वॉलपेपर मिल जाता है दोस्तों, काफी सुंदर। चलो इसे साइड रखते हैं, अब दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज। और ये क्या है? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो कवर था। अब दिखाता हूँ गाइस, ये देखो काफी सुंदर और काफी प्यारा स्पेस इरेजर गाइस, ये देखो। चलो मैं निकालता हूँ और चीजें दिखाता हूँ दोस्तों, ये कैसी कैसे इरेजर है गाइस इसके अंदर, ये देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे हमें मिल जाते हैं एस्ट्रोनॉट। ये देखो ये इरेजर है गाइस एस्ट्रोनॉट का, काफी अमेजिंग काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा। और हमें मिल जाता है इसके अंदर काफी प्यारा सा एक रॉकेट जो काफी कलरफुल है गाइस। और ये रॉकेट नहीं दोस्तों, ये भी इरेजर है गाइस। और क्या मिलता है दोस्तों हमें? ये देखो इसके अंदर हमें मिल जाता है एलियन। ओहो देखो कितना जबरदस्त और कितने अच्छी क्वालिटी का एलियन मिल जाता है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना प्यारा एलियन मिल जाता है दोस्तों। और एक चीज और मिल जाती है गाइस, और ये देखो दोस्तों ये क्या मिल जाता है इसके अंदर? एक उड़न तस्तरी। अरे वाह काफी अमेजिंग, जिसके अंदर ये एलियन आता है दोस्तों बैठ के, तो काफी अमेजिंग और अच्छी क्वालिटी के इरेजर है गाइस। ये इरेजर कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इसे साइड रखते हैं, अब दिखाता हूँ गाइस पेंसिल बॉक्स। गाइस ये है स्पेस वाली पेंसिल बॉक्स, काफी सुंदर काफी प्यारी, पन्ने से निकालता हूँ और आप देख सकते हो लुक देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है, मेटल में है दोस्तों। और इसके प्राइस की बात कर ले तो इसे मैंने परचेज किया केवल 100 रुपीज का, और इस इरेजर को मैंने 50 रुपीज के परचेज किए हैं दोस्तों, जिसमें ये चार चीजें मिल जाती है दोस्तों में। तो इसके अंदर लुक दिखाता हूँ, काफी सिंपल सी है काफी प्यारी सी है, बट इसका लॉक देखो दोस्तों कितना अमेजिंग और कितना सुंदर सा है। और इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर हमें मिल जाते हैं एक टेबल और एक दो तीन चार पांच पेंसिल लॉक स्टैंड मिल जाता है दोस्तों, और बाकी टेबल मिल जाती है और स्पेस की फोटोज देखने को मिल जाती है गाइस इस पेंसिल बॉक्स के अंदर गाइस। और इस वाले कंपार्टमेंट हटाएंगे तो नीचे भी एक काफी अच्छा कंपार्टमेंट और काफी अच्छा स्पेस है, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल हमारा आ जाएगा दोस्तों। काफी सुंदर और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी खतरनाक सी लग रही है, तो इसे साइड रखते हैं और सेकंड लास्ट ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ, ये भी काफी अमेजिंग काफी सुंदर है। और ये है गाइस पासवर्ड ज्योमेट्री बॉक्स, और कैसे है दोस्तों देखो, ये विदाउट पासवर्ड ये ओपन नहीं होगी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स। और इसकी क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी सुपर और कितनी अमेजिंग है दोस्तों, काफी सुंदर। और पासवर्ड लिखा है गाइस 346, तो 3 ऊपर कर देंगे, 4 को भी ऊपर कर देंगे और 6 को भी ऊपर कर देंगे, और इस बटन को ऐसे ऑन करेंगे और ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन हो जाएगी गाइस। विदाउट पासवर्ड कोई भी ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन नहीं कर सकता है। और हमें मिल जाता है पहले कमांडमेंट 1 2 3 4 5 पॉइंट से लॉक स्टैंड मिल जाता है, और इस वाले कमांडमेंट को इस तरह हटाएंगे तो नीचे भी ये काफी अच्छा स्पेस वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इसके प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसे मैंने परचेज किया 120 रुपीज की ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। साइड रखते हैं, अब दिखाता हूं लास्ट ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी अमेजिंग और काफी सुंदर और ये काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, ये देखो इतनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स अभी तक कोई भी नहीं है, ये देखो कितनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है, ये भी देखो ये भी देखो। और केवल ये 120 रुपए में परचेज करिए दोस्तों, काफी सुंदर काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है ये। चलो इसे फ्रंट में तो स्पेस की फोटोज मिल जाती है दोस्तों में, काफी सुंदर काफी प्यारी थी। और चलो अभी इसे हमें मिलता है फ्रंट में दो, क्या मिल जाते हैं हमें? दो शॉर्पनर। क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग और कितनी सुंदर है दोस्तों। इसे पन्नी लगी, अभी पन्नी हटाएंगे दोस्तों और दिखाएंगे दोस्तों। चलो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, इस पन्नी को फाड़ देते हैं और ये देखो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, और इसमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और इस पन्नी को फाड़ देते हैं और एक मिलता है काफी सुंदर और काफी प्यारा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसके अंदर भी हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर सा है। दो दो शॉर्पनर मिल जाता है, एक छोटा शॉर्पनर एक बड़ा शॉर्पनर मिल जाता है, छोटा शॉर्पनर पेंसिल कलर को शार्प करने के लिए मिल जाता है, और हमें एक बड़ा शॉर्पनर मिल जाता है गाइस पेंसिल को शार्प करने के लिए, काफी अमेजिंग है, स्पेस भी काफी अच्छा है गाइस इस शॉर्पनर के अंदर। तो इसे बंद करते हैं, बैक साइड ओपन करके दिखाता हूँ, तो बैक साइड ढक्कन में देखो दोस्तों कितना अच्छा स्पेस और कितना प्यारा स्पेस मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का है और कलर भी देखो दोस्तों कितना शानदार। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसे मैंने 120 रुपए की परचेज करी है ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों। कैसी लगी ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज ये स्पेस कलेक्शन कैसा लगा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, और सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी, और स्टेशनरी सेट कैसा लगा, और स्टेशनरी सेट में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी प्लीज दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में आपको किसी भी स्नैक्स की या किसी भी टॉय कलेक्शन या किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स की वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो गाइस, और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट किया करो क्योंकि मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ और सबके कमेंट को लाइक भी करता हूँ दोस्तों। सो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो, जब तक बाय बाय दोस्तों।